ये आईटेल की ओरिजिनल हैंड फ्री है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.2 एम्पियर, ये कोई भी मोबाइल में सपोर्टेड कर जाएगा। पड़ेगा सिर्फ 350 रुपये का, अच्छा वायरलेस माउस है। प्रोडक्ट बॉक्स में अगर माउस चलाना हो ना तो यार माउस का बटन दबा कर, माउस का जैसे बटन है यार, बटन दबा के आप हवा के अंदर चला सकते हैं, एयर माउस कहलाता है ये। अच्छा। प्योर कॉपर का बोर्ड है। अच्छा। प्योर कॉपर का, लोगों की शिकायत आती है कि बोर्ड में हम लगाते हैं तो ये ढीले पड़ जाते हैं, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, इसमें आपका प्लग ढीला नहीं होगा। ये हेडफोन दिखा रहा हूँ, ये हेडफोन अच्छी क्वालिटी के यूज में आए हुए हैं। अच्छा, यूज में है। इसका माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे लगा देगा, इसमें एडोप्टर लग जाएगा, एडोप्टर भी इसके साथ दिया हुआ है। फिर इसमें से 4 HDMI केबल निकल के उसकी 4 LCDs चल सकती है एक साथ एक वक्त पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लाल भाई, आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या क्या वैरायटी दिखाने वाले हैं? भाई कंप्यूटर के हवाले से हो गई, मोबाइल के हवाले से हो गई, लैपटॉप के हवाले से बहुत सी आइटम है। सबसे पहले अगर मिनी में स्पीकर है, अच्छी तेज़ आवाज़ वाला स्पीकर है, आपको मैं खोल के दिखा दूँ। ठीक है, अच्छी आवाज़ में मिनी स्पीकर है, यानी कि लैपटॉप वगैरह के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर में भी हो जाएगा, मोबाइल के लिए नहीं है। अच्छा, मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए नहीं। लाल भाई, इसके प्राइस क्या होंगे? इसके प्राइस है 550 रुपये। इसके बाद ये इससे तेज़ आवाज़ में अगर आपको चाहिए तो ये UEF का स्पीकर है, अच्छा स्पीकर है, ये चाइना स्पीकर है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो लाहौर के स्पीकर है, वो लाहौर में बनते हैं, ये चाइना प्योर चाइना होते हैं, अच्छे स्पीकर होते हैं। इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस 650 रुपये। 650 जी। कंप्यूटर लैपटॉप में आम डायरेक्ट कनेक्ट भी हो जाएगा, और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है। अच्छा, इसमें इस तरीके से ब्लूटूथ का ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट आप अगर कंप्यूटर वगैरह में चलाएंगे जी जी, तो ये USB और पिन डायरेक्ट लगेगी और डायरेक्ट चल जाएगा। अगर आपको मोबाइल में चलाना है तो खाली USB लगा के ये ब्लूटूथ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर अच्छी आवाज़ में ब्लूटूथ स्पीकर है। इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस होगी 1200 रुपये, और बाकी इसका ही एक ब्लूटूथ बगैर का मॉडल है, आवाज़ अच्छी होगी वो आप ये देख लें। ठीक है, ये वाला मिल जाएगा 700 रुपये का, ये 700, ये ब्लूटूथ बगैर का, ये वाला ब्लूटूथ वाला, ब्लूटूथ के साथ ही, ये 1200 रुपये। ये आईटेल की ओरिजिनल हैंड फ्री है, ये अच्छा माल आया है, साउंड भी अच्छा है, इसकी बेस भी अच्छी है। अच्छा, ये ओरिजिनल हैंड फ्री है, एक जैसे कि लोकल वगैरह आती है वो उससे ये बहुत बेहतर है। ये आप अगर कंप्यूटर वगैरह में भी चलाएंगे तो इसकी आवाज़ फटेगी नहीं। अच्छा, फटेगी नहीं बिल्कुल भी। जबरदस्त। लाल भाई, इसकी प्राइस क्या होंगी? इसकी प्राइस होगी 350 रुपये। अच्छा, 350 रुपये। हाँ, और इसी के अंदर ही एक हमारे पास फास्टर कंपनी की है, फास्टर कंपनी की अगर आप हैंड फ्री लेंगे तो ये 250 रुपये की पड़ेगी। इसमें और इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बॉक्स की वजह से महंगी बिकती है, और ये वाली बॉक्स के बगैर, साउंड वगैरह के एक ही है। ठीक है, ये भी कंपनी की, ये भी कंपनी की है। बिलाल भाई, अगर किसी को क्वांटिटी में आपसे कुछ माल वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएगा? क्वांटिटी में चाहिए तो क्वांटिटी में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप रابطہ करें इंशाल्लाह आपको क्वांटिटी में भी। तो बिलाल भाई, अपनी शॉप का एड्रेस और शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 03010803409, और मेरी शॉप का एड्रेस है सदर में नास प्लाजा कंप्यूटर मार्केट, MAGINA रोड, और ये गेट नंबर पड़ता है 3, और शॉप नंबर है G99। इसके बाद बिलाल भाई, लें कि हमारे पास ब्रांडेड चार्जर आवे, ये मोबाइल के ब्रांडेड चार्जर है। अच्छा। इसमें अगर आप देख सकें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 1.5 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.2 एम्पियर, ये कोई भी मोबाइल में सपोर्टेड कर जाएगा। अच्छा। ये बहुत अच्छा चार्जर है, ब्रांडेड का फास्ट चार्जर है, फास्ट चार्जिंग शो करने वाला चार्जर है। इसकी प्राइस? इसके प्राइस 450 रुपये पड़ेगा। 450 रुपये। और ये वाला सैमसंग के एक यूज़ में चार्जर आते हैं, ये न्यू में भी आते हैं लेकिन न्यू में होते हैं लोकल, ये सैमसंग के ओरिजिनल चार्जर है, 2 एम्पियर पूरा। अच्छा, 2 एम्पियर पूरा है, ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का। 250 रुपये का। इसके बाद लाली? इसके बाद ये कार का ब्लूटूथ कहलाता है, ये ब्लूटूथ सीधे एक खाली USB है, USB आप लगाएंगे जी कार के अंदर, और डायरेक्ट जैसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, और ये ऑक्स केबल आपकी कार के अंदर लग जाएगी, कार के अंदर ब्लूटूथ से आप कार के स्पीकर चला सकते हैं। अच्छा, या कोई भी अगर आम स्पीकर आपके होंगे तो आप उसकी जो पिन है वो इसके पीछे लगा के इसको कहीं से USB से पावर दे देंगे तो मोबाइल से आपके स्पीकर भी ब्लूटूथ बन सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अब प्राइस क्या है भाई? इसके प्राइस पड़ेंगे 140 रुपये। 140 रुपये। जबरदस्त। अब इसके अंदर ही मेरे पास ये दूसरा है, ये है रिचार्जेबल, ये मैं आपको खोल के दिखा दूँ। जी जी, इसका ये है कि रिचार्जेबल है, आप अगर इसको ऑन करेंगे, ऑन करके आप आराम से कार में लगा सकते हैं। अच्छा। कार में लगाएंगे, डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट करें
तो यह आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। ये कोई भी आपका स्पीकर हो, स्पीकर की पिन खाली लगानी है, स्पीकर ब्लूटूथ बन जाएगा। ये होगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का। 250 रुपये में, जैसे कि मैंने आपको कंपनी की हैंड फ्री दिखाई थी, जैसे आईटेल की हैंड फ्री है, ये ऐसे ही एक नई कंपनी आई है मैक्सोन के नाम से। इसमें आपको एंड्रॉयड टाइप सी और आईफोन की तीनों केबलें मिल जाएगी। फास्ट केबल है, नॉर्मल केबल से बहुत अच्छी केबल है। ये पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की। 300 रुपये, 300 रुपये की। और इसकी एक हफ्ते चेकिंग वारंटी भी है। चेकिंग वारंटी है, कोई भी इशू आता है तो आपको रिप्लेस हो जाएगी। अगर खराब भी हो गई एक हफ्ते के अंदर तो वापस हो जाएगी, लेकिन ये खराब नहीं होती। अगली चीज़ ये है कि ये साउंड कार्ड कहलाता है, यूएसबी साउंड कार्ड कंप्यूटर के हवाले से। कंप्यूटर के हवाले से ये होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में साउंड की पिनें जो होती है आज की नई जनरेशन में नहीं आ रही, और कुछ पुराने लैपटॉप की पिनें खराब हो जाती है। तो ख़राब हो जाती है तो इसमें आप लगा के आराम से कोई भी अपना स्पीकर हैंड फ्री वगैरह लगा सकते हैं। ये स्टील सीरीज़ का ओरिजिनल है, ये पड़ेगा 550 रुपये का। 550 जी। इसमें हल्के भी आते हैं, आप ये देख लें, ये भी इसी की तरह ही है, लेकिन ये स्टील सीरीज़ का ओरिजिनल है। ये पड़ेगा 200 रुपये का। 200 रुपये जी। उसके बाद ये यूएसबी हब है, कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट्स वगैरह लैपटॉप की कम होती है, तो वो एक आप यूएसबी पोर्ट लगाएंगे तो आपकी 4 हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और ये इसमें हल्की क्वालिटी है। इसमें अगर अच्छी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ तो इसके अंदर ये मिल जाएगी, जिसमें स्विच भी दिए हुए हैं। जब आपको यूएसबी ऑन करनी है आप ऑन कर सकते हैं, जब आपको ऑफ करनी है आप ऑफ कर सकते हैं। सही। और इसी के अंदर स्पीड वाला चाहिए। प्राइस क्या होंगे बिलाल? इसके प्राइस होंगे 250 रुपये। 250 रुपये। और पहले वाला मैंने आपको बताया नहीं, इसके प्राइस है 150 रुपये। इसके 150 रुपये। इसी में 3.0 वाला स्विचर हब। अच्छा। स्विचर अब 3.0 पड़ेगा 450 रुपये का। 450 इसकी और इसकी स्पीड में फ़र्क होता है खाली, बाकी दोनों सेम है। और बाकी इसी के अंदर आपको अगर जैसे कि 7 पोर्ट वाला चाहिए तो 7 पोर्ट वाला मिल जाएगा। ठीक है। 7 पोर्ट वाले के क्या प्राइस? 7 पोर्ट वाले के 350 रुपये होंगे 2.0 में। 2.0 में। इसके बाद आप ये देख लें, ये हार्ड डिस्क की केडी कहलाती है। लैपटॉप वगैरह में हार्ड डिस्क लगती है। अच्छा। हार्ड डिस्क अगर आपको एक्स्ट्रा लगानी है, एक्सटर्नल अगर हार्ड डिस्क लगानी है, तो आप इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा के सीडी रोम की जगह पे लगा सकते हैं। सही। आपका सीडी रोम निकल जाएगा, ये हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा आपकी लग जाएगी, जिससे लैपटॉप की स्पीड वगैरह भी बढ़ जाएगी, और आपको एसएसडी लगानी है तो एसएसडी लग जाएगी, स्पीड वगैरह लैपटॉप की बढ़ जाएगी। इसमें दो आती है, एक मोटी आती है एक पतली आती है। मोटी पड़ेगी 350 रुपये की और पतली वाली पड़ेगी 300 रुपये की। 300 रुपये की। 50 रुपये का फर्क। 50 रुपये का फर्क। ठीक है। इसके बाद बिलाल भाई? इसके बाद ये अल्फा नेटवर्क की यूएसबी कहलाती है। सही। ये अगर लैपटॉप वगैरह में आपका नेटवर्क का ऑप्शन नहीं है तो ये आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह मोबाइल में चलता है। ठीक हो गया। ये पड़ेगी प्राइस? ये पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये। 350 रुपये में। ठीक है। इसके बाद? इसके बाद ये हार्ड डिस्क का ही कनेक्टर है। जैसे पहले वो हार्ड डिस्क का वो था केस था। जी जी। ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर है कि आपकी कोई भी पुरानी हार्ड डिस्क है तो आप ये इसमें लगा के उसका डेटा रिकवरी कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। अच्छा। ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये का। इसमें 3.0 आता है, वो ये कुछ यूँ है, ये आपको पड़ेगा 550 रुपये। 550 रुपये। 550 रुपये का, सॉरी, ये पड़ेगा, और ये 750 रुपये का पड़ेगा। 3.0। ठीक हो गया। इसके बाद भाई? इसके बाद ये चाइना का मेरे पास एंड्रॉयड बॉक्स आया हुआ है, 464 मार्केट में चल रहे हैं, 232 चल रहे हैं, तो वो 4000 रुपये के रेट चल रहे हैं। ये मैं आपको 4800 रुपये में 464 यानी डबल दे दूंगा। डबल? हाँ, डबल। 800 रुपये के फर्क। एक हफ्ता इसकी चेकिंग वारंटी है, चाइना का है, बाकी रिजल्ट वगैरह इसका अच्छा है। डायरेक्ट आप अपनी नेट की केबल लगाएं और रिमोट के थ्रू कुछ भी चलें। तो पहले तो हमारे पास बॉक्स वाला माउस है, कंप्यूटर के हवाले से अच्छा माउस है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का। अच्छा माउस है, बॉक्स पैक माउस है। अच्छा। अच्छा, फिर इससे अगर आगे बढ़ते चलें तो फिर इससे अच्छी क्वालिटी में है पायदान माउस है, ये पड़ेगा 250 रुपये का। 250 रुपये का। ठीक है। फिर ये एक HP का माउस आता है, फैंसी माउस कहलाता है, फैंसी माउस है, अच्छा माउस है, ये पड़ेगा 300 रुपये का। 300 रुपये। 300 रुपये का। फिर ये भी फैंसी माउस है, लाइटो वाले 7 कलर लाइटो वाले माउस है, लेकिन गेमिंग नहीं है। अच्छा। ये भी 300 रुपये के पड़ेंगे। 300 रुपये दोनों? जी, एक 300 रुपये का, ये दोनों 300 रुपये के। और फिर ये HP का माउस मिल जाएगा, HP के ये इस तरह होते हैं ब्रांडेड अगर समझते हैं कस्टमर, ब्रांडेड अच्छा माउस होता है, ब्रांडेड के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बॉक्स पैक में ये पड़ेगा 350 रुपये के हिसाब से। 350? जी, 350 रुपये के। अलग अलग मॉडल है, माउस दोनों एक ही है। अच्छा। फिर उसके बाद ये HP का ये अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाएगा, गेमिंग नहीं है, लेकिन ये भी लाइटो वाला माउस है, अच्छा माउस है। अच्छा। ये और इसकी जोड़ी है, खाली इसकी लाइट के हिसाब से 50 रुपये ऊपर है, 400 रुपये का पड़ेगा। 400 रुपये का, सिर्फ लाइट का फर्क है। हाँ। अब आ जाएं आप गेमिंग माउस की तरफ। गेमिंग माउस में अभी फिलहाल तो मेरे पास 2 वेराइटी पड़ी हुई है, बाकी आइंदा दिनों में माल आएगा। तो बाकी गेमिंग माउस में HP का ये वाला मिल जाएगा आपको सिर्फ 550 रुपये का। 550? ये गेमिंग माउस है जी, न्यू में। अच्छा, मार्केट रेट इसके क्या है? मार्केट रेट इसके तकरीबन इतने ही है, लेकिन अगर इससे अच्छे आप माउस लेंगे ना गेमिंग, जैसे कि ये लॉजिटेक का हो गया, ये मैं आपको दिखाना भूल गया,
ये लॉजिटेक का है, फर्स्ट कॉपी माउस कहलाता है, ये पड़ेगा 900 रुपए का, ये गेमिंग माउस है जी। और बाकी ये गेमिंग माउस में एक अच्छा माउस आया हुआ है, ये भी 900 रुपए का पड़ेगा, 900 रुपए का पड़ेगा। 7 कलर LED लाइट है, इसकी भी 7 कलर LED, बस ये है कि ये थोड़ी हल्की क्वालिटी में, ये अच्छी क्वालिटी के अंदर। अच्छा फिलहाल भाई इसके बाद क्या दिखा रहे हो? अब मैं दिखा रहा हूँ आपको वायरलेस माउस की वैरायटी। आप सबसे पहले ये देख ले, ये आपको पड़ेगा सिर्फ 350 रुपये का अच्छा वायरलेस माउस है। पहले इसमें आ रहे थे ब्लैक और सिल्वर कलर, अब ब्लैक और सिल्वर कलर नहीं आ रहे, इसमें रेड मिल जाएगा और पिंक मिल जाएगा। ठीक अब कंपनी जी 350 रुपये का। ठीक है फिर इसके बाद ये डेल वाला माउस मिल जाएगा वायरलेस, अच्छा माउस है, 400 रुपये का। 400 रुपये का ठीक है। फिर अच्छी क्वालिटी में अगर चाहिए इससे तो ये HP का मिल जाएगा आपको, फिनिशिंग वाला माउस है, साफ सुथरा माउस है, ये आपको 550 रुपये का मिलेगा। 550 रुपये। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लोग समझते हैं कि वायरलेस माउस जितना महंगा लेंगे उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। वायरलेस माउस जो भी लेंगे आप गिरेगा ख़राब हो जाएगा, 1500 रुपये तक का भी लेंगे वो गिरेगा ख़राब। खाली इसमें महंगे के मकसद इसलिए होता है कि आपका दूर रेंज से चले, आपको अगर अच्छी रेंज में चाहिए तो फिर ये HP का फर्स्ट कॉपी माउस है, ये पड़ेगा 850 रुपये का। 850 रुपये का। फिर इसकी तरह ही अब ये आता है एयर रिमोट, ये एयर रिमोट कहलाता है लेकिन होता ये एयर माउस है। मैं आपको खोल के दिखा दूं, ये बेसिकली इस तरह होता है एंड्रॉयड बॉक्स जैसे मैंने आपको दिखाया। एंड्रॉयड बॉक्स में अगर माउस चलाना हो ना तो यह माउस का बटन दबा कर, माउस का जैसे बटन है यहाँ, बटन दबा के आप हवा के अंदर चला सकते हैं, एयर माउस कहलाता है ये। अच्छा हाँ, और क्लिक भी करना हो तो यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, और इसमें कीबोर्ड नहीं है, एक आता है इसमें कीबोर्ड वाला। ठीक है। तो इसमें कीबोर्ड नहीं है, इसमें वॉइस का बटन है, ये आप दबा के आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका सामने शो हो जाएगा। शो हो जाएगा। अब इसमें इसके प्राइस है 850 रुपये। 850 रुपये जी, ज़बरदस्त। अच्छा इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कीबोर्ड, ये एयर माउस तो नहीं है लेकिन ये मिनी एंड्रॉयड कीबोर्ड है, इसमें LED लाइट्स भी जलती है, RGB कीबोर्ड है। बाकी ये मैं अपने घर पे भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कीबोर्ड माउस है भाई। ये कीबोर्ड तो आपके सामने ही है और माउस इसमें टच पैड है, लैपटॉप में जिस तरीके के माउस होते हैं टच पैड माउस है। आपको सिर्फ इसमें दो पेंसिल सेल लगाने हैं, ये डोंगल लगा के आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे एंड्रॉयड बॉक्स हो। इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस है 750 रुपये। 750 रुपये जी। इसके बाद ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा ये वही है जैसे मैंने आपको वायरलेस डोंगल दिखाई थी। अच्छा। वाईफाई के लिए ये आ गई एंटीना वाली, इसमें ये है कि 10 मीटर तक की रेंज से सिग्नल आएंगे, उसमें होते कम रेंज होती है, ये आप 3 कमरे की उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेंज आ जाएगी जी, इसकी रेंज आराम से आ जाएगी, इसकी रेंज ज़्यादा है, ये पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये। 550 जी, ब्रांडेड में मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये ब्रांडेड में अच्छे कीबोर्ड है, डेल का एनकार्ट कीबोर्ड कहलाता है, ऑफिस वगैरह वाले ये ज़्यादातर ये पसंद करते हैं। सही। ये पड़ेगा 650 रुपये का। 650 जी। इस वक्त मार्केट में 600 रुपये के कीबोर्ड चल रहे हैं, लेकिन ये है कि डेल एनकार्ट किसी के पास है नहीं। ठीक है। तो फिर इसके बाद ये आपका नॉर्मल कीबोर्ड मिल जाएगा लॉजिटेक का, लॉजिटेक का 600 रुपये का, ये भी अच्छा कीबोर्ड है, जो जो कंपनी का डेल बनाता है वही लॉजिटेक बनाता है। ठीक है। उसके बाद ये अल्ट्रा स्लिम कीबोर्ड है, ये न्यू मॉडल में अल्ट्रा स्लिम, जिस तरह लैपटॉप की कीज़ होती है ना जी, इस तरह इसकी कीज़ है, लेनोवो के अंदर मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 650 रुपये का। 650 रुपये जी। ठीक है। और उसके बाद ये लेनोवो का पुराना मॉडल, जैसे कि वो अल्ट्रा स्लिम था तो ये नॉर्मल कीज़ वाला है, ये पड़ेगा 550 रुपये। 550 रुपये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड की भी वैरायटी है, मैं अगर आपको दिखा दूँ तो एक्सटेंशन बोर्ड में हमारे पास बहुत वैरायटी पड़ी है, अच्छी वैरायटी है। सही। अगर आपको नॉर्मल घर के यूज़ के लिए चाहिए तो घर का कोई भी यूज़ हो गया, कंप्यूटर वगैरह लगा लिए, लैपटॉप लगा लिए, लैपटॉप चार्जर वगैरह, तो ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये का। 350 रुपये। और ये इसका ही एक ही जैसा है, ये भी तकरीबन ये 350 रुपये का ही पड़ेगा। 350 रुपये जी। ठीक है। और फिर ये वाला इस तरह है कि आप अगर घर में इस्त्री वगैरह भी चलाते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तार तो मेरी सब एक्सटेंशन बोर्ड में अच्छी लगी हुई है, लेकिन ये चाइना की किट है। अच्छा। ये चाइना की किट है, इसमें आपके झलेगा नहीं, ये आप इस्त्री चलाएं या चाहे कुछ भी चलाएं। और फिर ये हमारे इसकी 550 रुपये। 550 रुपये। इसके बाद ये हमारे पास प्योर कॉपर का बोर्ड है। अच्छा। प्योर कॉपर का लोगों की शिकायत आती है कि बोर्ड में हम लगाते हैं तो ये ढीले पड़ जाते हैं, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, इसमें आपका प्लग ढीला नहीं होगा, ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 750 रुपये का। इस पर भी आप इस्त्री चलाएं या आजकल वो जैसे गैस वगैरह घर में नहीं आ रही, हीटर वगैरह भी है, हीटर वगैरह भी आप चलाएंगे तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें हीटर से एहतियात करें। इसके बाद ये मैं आपको हेडफोन दिखा रहा हूँ, ये हेडफोन अच्छी क्वालिटी के यूज़ में आए हुए हैं, यूज़ में है। इसका माइक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, माइक की क्वालिटी मैंने चेक की है और स्पीकर की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये का। 850। इसी के अंदर ही है माइक बगैर,
साउंड तो इसका बहुत अच्छा है, कुछ लोग होते हैं कि बोले मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके हम ये रिक्वायर्ड करते हैं कि ये आपको सिर्फ 600 रुपये का मिल जाएगा। माइक बगैर है लेकिन इसका साउंड बहुत अच्छा है। ये इस सिंगल पिन में हेडफोन है कि आप मोबाइल में भी आराम से चला सकते हो, अगर कंप्यूटर लैपटॉप में भी चलाना है तो इसका कनेक्टर मिलता है, कनेक्टर लगा के चला सकते हो। और आजकल जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उसमें सिंगल पिन आ रही है, तो उसमें लैपटॉप में डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। फिर ये HDMI केबल होती है, HDMI केबल का स्प्लिटर है, सही। HDMI केबल का स्प्लिटर है कुछ यूँ कि अगर एक बंदा चाह रहा है कि मैं एक कंप्यूटर से 4 LCDs चलाऊं, अच्छा, तो ये अपने कंप्यूटर की केबल यहाँ पे लगा देगा, इसमें एडोप्टर लग जाएगा, एडोप्टर भी इसके साथ दिया हुआ है, फिर इसमें से 4 HDMI केबल निकल के उसकी 4 LCDs चल सकती है एक साथ, एक वक्त पे, एक वक्त में 4 LCDs, एक वक्त पे 4 LCDs चल सकती है। इसके प्राइस क्या होंगे? इसके प्राइस 1400 रुपये। इसी में ही एक कनेक्टर आता है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ, ये कनेक्टर आता है HDMI का 2 पोर्ट वाला, अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये का पड़ेगा, ये एक लगा के आप 2 LCDs चला सकते हो। इसमें ये स्प्लिटर में कि आपको जब आपको एक LCD बंद करनी है बंद कर सकते हैं, दूसरी चलानी है चला, अच्छा, सकते हैं, चारों LCDs एक टाइम में चल सकती है। नॉर्मल वाली में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, नॉर्मल वाली में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। और बाकी फिर ये ब्लूटूथ डोंगल है, ब्लूटूथ डोंगल कुछ ये होती है, आपने कोई भी ब्लूटूथ हेडसेट हो गया, ये ब्लूटूथ वो जो आजकल आते हैं एयरबड्स हो गए, एयरबड्स वगैरह लैपटॉप के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। 4.0 इसमें, एक 2.0 आती है, 2.0 में ये होता है वो विंडोज 7 में चलती है, ये विंडो 11 तक सपोर्टेड है, ठीक है। जो अभी इसके प्राइस है 250। इसके बाद ये USB LAN कनेक्टर कहलाता है, इंटरनेट की केबल होती है, तो आजकल के जो स्लिम लैपटॉप आते हैं उसमें इंटरनेट की केबल नहीं होती है, तो इंटरनेट की केबल आप यहाँ पे लगा के USB के थ्रू आराम से चला सकते हैं। इसमें CD है, CD से आप ड्राइवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके प्राइस क्या होंगे? इसके प्राइस होंगे 350 रुपये। इसके बाद ये USB की एक्सटेंशन केबल है, USB की तार खाली लंबी करने की है। ये कुछ होता है LCD में कि लोग कहते हैं कि LCD के पीछे है ना हाथ नहीं जाता है, सही। तो ये USB एक्सटेंशन केबल आप पीछे लगा के इसके अंदर USB आराम से लगा सकते हैं। क्या प्राइस है? इसके प्राइस है 100 रुपये। उसके बाद ये कॉलर माइक है मोबाइल के हवाले से, अच्छा। ये मोबाइल में आप लगा के कोई भी वीडियो वगैरह शूट करनी है तो आप आराम से शूट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो है, अच्छा। इसमें एक हमारे पास बोया का आता है वो ख़त्म हो गया है, वो बोया का सिर्फ 1400 रुपये का आपको मिल जाएगा, उसकी क्वालिटी बेहतर। अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो मिल जाएगा, इसको रिक्वायर्ड हो तो वो मिल जाएगा। और इसी तरह का कंप्यूटर के लिए भी माइक आता है, इसके प्राइस 250 है, 250। और इसी तरह का ये कंप्यूटर का माइक आता है, ये येलो बॉक्स में आप देख रहे हैं कंप्यूटर का माइक है, ये कंप्यूटर का माइक सिर्फ 150 रुपये का मिल जाएगा जी, इसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर इससे अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ये कंप्यूटर का माइक ये वाला मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का, 250। हाँ, ये स्टैंड माइक है, अगर आप वहाँ से दिखा सके तो स्टैंड माइक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, ये कंप्यूटर के हवाले से है, सही है, 250 रुपये जी, 250 रुपये का। उसके बाद ये सीमोस सेल कहलाते हैं, कंप्यूटर वगैरह में शुगर की मशीनों में बहुत रिक्वायर्ड होती है कस्टमर की, सही। शुगर की मशीनों के लिए ये इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये का पत्ता है, और बाहर आप जाएंगे कोई भी घड़ी वाले के पास तो वो आपको कम से कम 100 रुपये का एक सेल देगा, ये बात है, 100 रुपये का एक सेल है, ये 70 रुपये का पत्ता है। और ये जैसे कि लैपटॉप वगैरह या कीबोर्ड जैसे मैंने आपको दिखाया उसकी कीज़ वगैरह मेड जाती है, अच्छा। तो ये उसके स्टिकर है, ये बहुत अच्छे वाले स्टिकर है, अच्छी क्वालिटी के, आप एक बार चिपका देंगे तो फिर निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इसमें ये है कि आप जो लेटर के ऊपर चिपकाना है तो आप चिपका सकते हैं, फिर ये मिटेंगे नहीं, अच्छा। इसका पत्ता पूरा कितने? ये सिर्फ पत्ता 100 रुपये का, 100 रुपये जी। इसके बाद ये जैसे कि ये पावर केबल है, कंप्यूटर की रिक्वायर्ड है पावर केबल, ये पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये की, 60 रुपये, 60 रुपये की। इसमें अच्छी क्वालिटी आती है, ये पड़ेगी 85 रुपये की, 85 रुपये की। मेरे फिक्स प्राइस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला होलसेल रेट है, फिक्स प्राइस है, तो इसमें ये लोग 120 रुपये की बेच रहे हैं आराम से, 85 रुपये एक ही रेट पड़ेगी, अच्छी केबल है। बाकी इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो ये प्योर कॉपर में केबल है, पावर केबल प्योर कॉपर में, ये 130 रुपये की पड़ेगी, 130 रुपये, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि VG केबल होती है, VG केबल एक आती है हल्की क्वालिटी में, एक आती है फिर अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। हल्की क्वालिटी वाली आपको पड़ेगी ये 19 इंच तक की LCD को सपोर्टेड करती है, सही। तो ये 150 रुपये की पड़ेगी। फिर इसके बाद ये वाली पड़ेगी 250 रुपये की, ये 24 इंच तक की LCD को सपोर्ट करेगी। इसमें ही आती है ब्रांडेड, जैसे कि कस्टमर को पता होता है कि यूज़ में आती है, ये आप चाहे 32 इंच की LCD पे भी लगाएंगे तो ये काम करेगी, ये पड़ेगी 300 रुपये की, 300 रुपये जी, ठीक है। इसके बाद आती है HDMI, मेरे पास अच्छी क्वालिटी में बॉक्स पैक वाली केबल है, ये पड़ेगी 250 रुपीज़ की, अच्छा 250 जी, ठीक है। आपको स्लीव दिखा दूँ, लैपटॉप की 15 इंच की स्लीव है, इसमें ये है कि आपका लैपटॉप सेफ़ है, इसमें आप आराम से अपना लैपटॉप वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं। इसमें आपने लैपटॉप रखा और फिर इसको बंद कर दिया, इसमें डबल चेन दी गई है कि यहाँ पे अपना आप चार्जर वगैरह भी रख सकते हैं,
इसमें तीन साइज मिल जाएंगे आपको, 14 इंच भी मिल जाएगा और 13 इंच भी मिल जाएगा। इसके प्राइस क्या है? इसके प्राइस सिर्फ 850 रुपये। बाकी आप 14 इंच वाली लेते हैं तो 700 रुपये की है, और फिर वो वाली लेंगे 13 इंच वाली तो 650 रुपये की। एलसीडी का स्टैंड कहलाते हैं दीवार पे एलसीडी वगैरह लगाने के लिए। ये जैसे कि 14 इंच की एलसीडी से 24 इंच की एलसीडी तक लिखा हुआ होता है, लेकिन ये 19 इंच तक की एलसीडी को सपोर्ट करता है। इसके बाद ये आता है 26 इंच से 32 इंच तक। सही, ये 24 इंच की एलसीडी पे लगता है और 32 इंच की एलसीडी तक सपोर्ट करता है। प्राइस है 150 रुपये। उसके वाले 100 रुपये। उसके बाद फिर ये 32 इंच से 40 इंच की एलसीडी को सपोर्ट करता है। सही, तो ये सिर्फ 200 रुपये का पड़ेगा। 200 जी, ठीक है।